at the weight of students were recorded during the medical checkup of a class. The following frequency distribution table gives the weight of 200 students of a class. Read the table carefully and answer the question given below. इस टेबल को पढ़ें, समझें और फिर करें। तो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, इसको कह रहा है कि इफ ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, जैसे ही रैंडम नाम का शब्द आ जाता है हिंदी में, यादृच्छिक छाया आ जाता है, तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो उसको नज़रअंदाज करें। इफ ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेट ऑफ ए स्टूडेंट इज, क्लास इंटरवल ये होनी चाहिए। तो आपको पता होनी चाहिए जो कि प्रोबेबिलिटी में जो निकालते हैं, तो ऊपर में फेवरेबल आउटकम लिखते हैं, जो फेवरेबल आउटकम, ऊपर में फेवरेबल आउटकम, नीचे में टोटल आउटकम। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं तो कह रहा है जो कि बीच में थर्टी फोर स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे लिखेंगे, 34 अपॉन में टोटल है 200। तो इसको करेंगे तो सॉल्व करने पे आता है हमारा ये 0.17। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उसमें कहता है लेस देन और इक्वल टू 60 kg, लेस देन और इक्वल टू 60 kg। तो 60 kg और उससे नीचे वाले सारे को प्लस करेंगे, यानी ये वाला लाइन है 61, ये सबको प्लस करेंगे और फिर नीचे हो जाएगा 200 और इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 187। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो वैल्यू है ये आता है 0.935, यानी इसका डी आंसर आ। थर्टी वन के जी से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये देख रहे हैं जो कि सारे के सारे वैल्यू, जो सारे के सारे वेट हैं, मोर देन 31 kg है। 31 kg से तो लेस देन तो कोई है ही नहीं, तो 100% सारे के सारे हैं, यानी पूरी प्रायिकता है। तो यानी 200 by 200, यानी 1 होगा, 200 by 200 लिखेंगे तो इसका वैल्यू 1 आता है, ठीक है। अब देखिए ये नए टाइप का टेबल है, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी टेबल, इस तरह के जो टेबल हम देखते हैं। तो इसको हमने अभी तक बनाया था जो जैसे था 31 और 35, और 35 यहाँ भी आता था, तो ये इस तरह का है, यहाँ पे डिफरेंट है। तो इसको हम कंटिन्यूस में यदि बनाएंगे तो देखिए हम सबसे पहले जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 36 और 35 का डिफरेंस 1, और ये दो बराबर बराबर भागों में, ये एक भाग एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट, यानी टू साइड्स में डिवाइड है। इसको एक को टू साइड्स में डिवाइड करें, यानी ये जो डिफरेंस है उसको दो साइड में डिवाइड करें तो हाफ हाफ हो जाता है। तो इसमें क्या करें,
इधर वाले में लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट, लोअर अपर। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें माइनस करना होता है, माइनस 0.5 जो आता है, और इधर प्लस करना होता है। देखिए जो 31 में माइनस करेंगे तो हो जाएगा 30, और इधर हो जाएगा 30। अब यहाँ भी करेंगे 36 में 35.5 हो जाएगा आपका 40.5, और ये भी 40.5 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा जो कंटिन्यूस था वो बन रहा है, ठीक है। तो ये नए टाइप का है, इसको भी हमें सीखने का मौका मिला। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब।